मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दिग्विजय सिंह के केजरीवाल को लेकर दिए बयान पर कहा, क्या दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है उसे भ्रष्टाचार करने की खुली छूट हो। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि खबरों में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह पिछले 10 सालों से ऐसे बयान देते आ रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं और लोग उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेती है। जनता के दिल और दिमाग से दिग्विजय सिंह अब निकल चुके हैं। शुक्ला ने कहा कि क्या दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हो उसे भ्रष्टाचार करने की खुली छूट हो। दिग्विजय सिंह ये चाहते हैं कि यदि किसी के ऊपर कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट है। कानून तो सभी के लिए बराबर होता है, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो चाहे वो संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ हो। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को तो और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है, और इसलिए यह बयान भी उनका गंभीरता से लेने लायक नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।